थाना मझोला लाइन पर शिवाजी नगर मेन रोड के गली नंबर 2 में रहने वाले भगवत शरण सैनी एडवोकेट पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह के घर पर विगत दिनों कुछ लोग जबरदस्ती उनके घर में घुस गए और हथियारों के बल पर घरवालों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब उनकी सीसीटीवी कैमरे पर निगाह पहुंची तो उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की तारें एवं कैमरे को तोड़ दिए। उपरोक्त घटना की जानकारी जब भगवत शरण सैनी एडवोकेट को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर वादी को पूछताछ के लिए चौकी बुलाया। भगवत सैनी का आरोप है कि पुलिस मुलजिम के साथ मिलकर उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई करने लगी। पीड़ित भगवत शरण सैनी ने पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करने पर कार्रवाई हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे के साक्ष्य पेश करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई, तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मामला दर्ज कराने के आदेश दिए, जिस पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित भगवत शरण सैनी एडवोकेट ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके सगे रिश्तेदार इस कृत्य को अंजाम देने में लगे हैं। भगवत शरण सैनी के मुताबिक यह मामला संपत्ति विवाद को लेकर खड़ा हुआ है।